इस वक्त की बड़ी अपडेट आ रही है। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी ने आजमगढ़ लोकसभा उपचुनाव का प्रत्याशी बदल दिया है। आपको बता दें कि अभी अभी बड़ी खबर आई है, सपा ने विधायक रमाकांत यादव को दिया है टिकट। इससे पहले सपा ने सुशील आनंद को दिया था टिकट। आजमगढ़ से लोकसभा उपचुनाव सपा की तरफ से लड़ेंगे रमाकांत यादव। वहीं आपको बता दें कि भाजपा ने आजमगढ़ से दिनेश लाल यादव निरहुआ को दिया है टिकट। भाजपा के तरफ से दिनेश लाल यादव होंगे प्रत्याशी। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें कि दिनेश लाल यादव बीजेपी की तरफ से लड़ेंगे चुनाव। इस समय लोकसभा उपचुनाव को लेकर आजमगढ़ सीट बड़ी चर्चित में बनी है। वहीं आपको बता दें कि देखना यह है कि जीतेगी कौन सी पार्टी, बसपा सपा या भाजपा। बसपा की तरफ से गुड्डू जमाली होंगे प्रत्याशी। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें कि अभी अभी सपा की तरफ से रमाकांत यादव घोषित हुए प्रत्याशी। सपा की तरफ से रमाकांत यादव लड़ेंगे चुनाव। भारतीय जनता पार्टी के तरफ से दिनेश लाल यादव निरहुआ होंगे प्रत्याशी। वहीं आपको बता दें कि भाजपा के तरफ से दिनेश लाल यादव लड़ेंगे चुनाव। अपनी कीमती प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दें, कौन सी पार्टी आजमगढ़ सीट से जीत रही है।